Assalamualaikum जी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हारिस अमीन एंड आई एम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एट एनसी सॉलिसिटर्स। आज की जो न्यूज़ है इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्रेकिंग न्यूज़। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप सबको पता है कि जो वर्किंग राइट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में वो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं 40 आवर्स पर फोर्टनाइट, यानी कि सादा लफ्ज़ों में दो हफ्तों में 40 घंटे काम कर सकते हैं। अब ये न्यूज़ जो मैं आपसे अभी लेटर ऑन इस वीडियो में शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चेंजेस आए हैं वर्किंग आवर्स में, क्या चेंज आए हैं वर्किंग लिमिट्स में, और उसका क्या फ़ायदा जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं या जो जाएंगे उनको उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली इन दिस COVID-19 सिचुएशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपसे अभी लेटर ऑन शेयर करूंगा। मोस्टली जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं हमेशा वो बॉर्डर ओपनिंग से रिलेटेड ही होते हैं, तो स्टार्ट हम लोग लेंगे इस वीडियो में बॉर्डर ओपनिंग से, और उसके बाद किस किस सेक्टर में क्या क्या एग्जेम्पशन जो है स्टूडेंट्स को मिलेगी और क्या क्या उसको वहाँ पे जॉब करने के उन्हें फ़ायदा हो सकता है उसमें, वो मैं लेटर ऑन इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है एंड तक, ताकि आपको क्लियरली ये सारी चीज़ें क्लियर हों। और मैं आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी ऐड करूँगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को ये वीडियो सुने भी, आप आर्टिकल्स को पढ़े भी, और आपको क्लियर आइडिया हो कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट स्टेट्स के पायलट प्रोग्राम्स जो हैं वो एक्टिव हैं, इन एक्शन हैं, जो कि स्टेट्स की तरफ से उनका अप्रूवल आ चुका है, जिसमें विक्टोरिया स्टेट का भी है, न्यू साउथ वेल्स का तो रिसेंटली जो आया है सेमेस्टर 2, दैट इज जुलाई एंड अगस्त से वो स्टूडेंट्स को जो है इनकमिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी इन ऑस्ट्रेलिया। उनका प्लान तो फाइनल है, दे विल गो थ्रू विद इट, और इंशाल्लाह ये जुलाई अगस्त का जो मंथ भी आएगा, मे एंड हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है जी, आने वाले मंथ में मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स जो है इंशाल्लाह ट्रैवल करना जो है अकॉर्डिंग टू दैट एग्जेम्पशन प्रोग्राम जो है उनका, बेसिकली उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करना शुरू कर जाएंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर है उसमें तो ये कन्फर्म ही आप समझें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया जो है वो ट्रैवल करेंगे, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्यूरी स्टूडेंट्स की ही होती हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ट्रैवल करेंगे ही करेंगे। और जो इसके से रिलेटेड न्यूज़ आई हैं वो भी यही हैं कि ऑस्ट्रेलिया फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अब मज़ीद ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी इकॉनमी जो है इस चीज़ को, इस बर्डन को होल्ड नहीं कर सकती, कि ना कोई वहाँ पे टूरिज़्म आ रहा है, ना हम वहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ना एजुकेशन सेक्टर चल रहा है, ना बाकी सेक्टर चल रहे हैं, तो उसको मज़ीद लेके वो अब नहीं चल सकते। और हम लोग ये चीज़ स्टार्ट से डे फर्स्ट से आप लोगों को कहते रहे हैं, और डे फर्स्ट से मेरा मतलब है जब से कोविड आया है लास्ट ईयर से मैं आप लोगों को कह रहे हैं, कि क्योंकि तब से ही ये न्यूज़ आना शुरू हो गई थी कि जी बॉर्डर ओपन नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, ये तो पेंडेमिक आ गया है, प्रॉब्लम हो गई है, फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने का, जाने का एंड ऑल, वो सारी डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने आपको तब भी कहा था कि ये किसी कंट्री के लिए फिजिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक कंट्री जो है आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते आज की दुनिया में, और सारी दुनिया से कट के सब कुछ बंद करके इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, ना कुछ इम्पोर्ट हो रहा है, ना कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, ना कोई आ रहा है, ना कुछ जा रहा है, तो इट्स प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है कि ये इस तरह चीज़ों को लेकर चला जाए। हम लोग आप लोगों को स्टार्ट से कह रहे हैं, और रिसेंटली ये जो न्यू साउथ वेल्स का प्रोग्राम है इसके बारे में मैंने आपको विद एविडेंस मैंने आपसे ये बात की थी कि इसको लेकर मैं ज़्यादा होपफुल इसलिए हूँ क्योंकि ये तो एक थोरो प्रोग्राम है, उन्होंने एक साइट भी लोकेट की हुई है, उसके अकॉर्डिंग उसको लेकर चल रहे हैं, क्वारंटीन के लिए साइट उन्होंने लोकेट की है, एक कर ली है, दूसरी कर रहे हैं, उस पर वर्किंग कर रहे हैं, जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है वो वहाँ पर इंस्टॉल होंगी, तो उसको लेकर मैं ज़्यादा होपफुल इसलिए हूँ क्योंकि उस पर ज़्यादा रिगरसली जो है वहाँ पे काम हो रहा है, और स्टेट भी उसमें इंटरेस्टेड है और गवर्नमेंट भी उसको लेके इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो जुलाई अगस्त में स्टूडेंट्स का इंटेक जो है ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो जाएगा, वो जाना शुरू हो जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर तो ये मतलब शोर शॉट ही बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा अब जो इंटरेस्टिंगली कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ है कि जो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी में जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए जो वर्किंग आवर्स की लिमिट थी, दैट इज़ 40 आवर्स पर फोर्टनाइट, ठीक है, सादा जबान में दो हफ्ते में जो आप 40 घंटे आप काम कर सकते हैं, उसकी जो लिमिट थी उसकी कैप जो है वो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी है। ये जुलाई मंथ में का उनका बजट आया उसमें भी उन्होंने इसको इंक्लूड किया है, वो कैप उन्होंने बिल्कुल वहाँ से हटा दिया जो इन दो सेक्टर्स में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इन स्टूडेंट्स के साथ, जैसे कि ये भी हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, एक सेक्टर अकेला काम नहीं कर रहा होता, मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं जो उसके साथ ज्वाइन इन हो रहे होते हैं, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है, हेल्थ केयर है,
हॉस्पिटैलिटी में देखेंगे तो एज केयर है, डिसेबिलिटी केयर है, चाइल्ड केयर है, ये सेक्टर्स भी उसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो उस पर से भी वो कैप जो है वो उन्होंने वर्किंग लिमिट का उन्होंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है जी। और इसको जो नाम दे रहे हैं वो नाम दे रहे हैं COVID-19 पेंडेमिक इवेंट वीज़ा, COVID-19 पेंडेमिक इवेंट वीज़ा, इसको ये प्रॉपर ये नाम दे रहे हैं, ठीक है जी। उसकी उसको अप्लाई करने का आपका तरीका क्या होगा? आपका इस वक्त करंटली ऑलमोस्ट 35,000 स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, वो इस वीज़ा के लिए, पर्टिकुलर वीज़ा के लिए एलिजिबल है। किस तरह? आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने वाला है, ठीक है, 90 डेज पहले एक्सपायरी से, जो आपका वीज़ा है वो एक्सपायर होने से 90 डेज पहले आप इस वीज़ा के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये वीज़ा आपको ग्रांट होगा तो उस पर आपको 12 मंथ्स का स्टे मिलेगा जिसमें आप काम कर सकते हैं, क्वाइट फ्रेंकली, ठीक है। टेम्परेरी वीज़ा जो आपका है, स्टूडेंट वीज़ा का टेम्परेरी वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा आपका एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर होने से 90 डेज पहले, विच मीन्स 3 महीने पहले आप इस वीज़ा के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ पेंडेमिक इवेंट वीज़ा। और ये वीज़ा आपको ग्रांट जब हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद आप एक साल के लिए मज़ीद वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उसमें आप लोग काम कर सकते हैं। अब जो लोग इस चीज़ को लेके आगे चलते रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और उनका स्टूडेंट्स उनका ध्यान ही नहीं है, स्टूडेंट्स की उनको परवाह ही नहीं है, जो मर्जी होता रहे वो, बस उनको अपना वैक्सीनेशन का और सारे प्रोसेस में वो लगे हुए हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने यही चीज़ जो है अनाउंस की है कि डिफरेंट सेक्टर से और डिफरेंट, इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं, हॉस्पिटैलिटी भी है, टूरिज्म भी है, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ से हमें ये कंप्लेन आई है कि काफ़ी उनको प्रॉब्लम हो रहा है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, वर्किंग आवर्स रिलेटेड एंड ऑल, उसके लिए स्पेशली उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ये कैप जो है उन्होंने इसमें रिमूव किया है, ठीक है जी। और यानी कि उन्होंने यही कहा है कि हमने उन सेक्टर से बात की है और हमने उनकी बात सुनी है और हमने उनकी बात समझी है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्शन लिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्शन है। मेरे अपने काफ़ी इतना टाइम हो गया काम करते हुए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, ये ज़्यादातर जाते ही टूरिज़म या हॉस्पिटैलिटी वाली साइड पर ही जाते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, और वहीं पर ये लोग जॉब्स करते हैं। और अब उसमें अगर वर्किंग लिमिट वाला इशू भी इनको नहीं बनेगा तो उनके लिए तो ये मतलब बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और होपफुली आगे आने वाले टाइम में भी इस तरह की चीज़ें जो हैं ये कंटिन्यूशन में जो हैं ये रहेंगी। अब मैंने आपको टाइम पीरियड उसका बता दिया क्या है, ठीक है, और कि किस तरह आपने उसको अप्लाई करना है, 3 मंथ्स पहले और 1 ईयर का जो है उसमें आपको स्टे मिल जाएगा। अब ये जो न्यूज़ आई है, देखें पहले भी जितनी न्यूज़ आती रही हैं उस पर क्रिटिसिज्म भी साथ के साथ आता रहा है, और रिसेंटली मैंने आप लोगों से ये भी शेयर किया था कि ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त भी करंटली बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट पर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने इसी साल बॉर्डर ओपन करने हैं या इसी साल आपको बॉर्डर ओपन करने चाहिए, ठीक है। पायलट प्रोग्राम जो है, एग्जम्पशन प्रोग्राम जिसको हम कह सकते हैं, वो तो जुलाई अगस्त में न्यू साउथ वेल्स का चल रहा है, लेकिन उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे ओपन करने के लिए इस साल के लिए बड़ा प्रेशर है, लेकिन गवर्नमेंट ने एटलीस्ट उनको ये सलीद जो है वो कराई है कि नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह जिस तरह रेगुलरली पहले ट्रैवलिंग होती थी, बॉर्डर्स ओपन होते थे, उसी तरह बॉर्डर्स ओपन होंगे, विच इज़ आई थिंक इट्स ग्रेट न्यूज़, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो अब एटलीस्ट वो सुनने लग गए हैं, और बॉर्डर्स जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में उसका ओपन होने का भी शुरू हो जाएगा। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी न्यूज़ आती है उस पर प्लस या माइनस में कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो ज़रूर आती है। अब ये जो न्यूज़ आई है वर्किंग आवर्स से रिलेटेड, इसको हर जगह से अप्रिसिएशन मिली है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया है कि स्टूडेंट्स को उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो आपका स्पेशली टूरिज्म सेक्टर है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने ये कहा है कि जी एट टाइम्स ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सिटीज़ में जहाँ पे स्टाफ ज़्यादा हायर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द फैक्ट के उनके जो वर्किंग आवर्स है वो ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं, फोर्टनाइट का जो रूल था, तो उसमें फिर वो स्टाफ ज़्यादा नहीं रख सकते। स्टाफ ज़्यादा नहीं रख सकते तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ज़्यादा चीज़ सेल नहीं हो सकती, सेल नहीं हो सकती तो ज़्यादा प्रॉफिट, यानी कि पूरी चेन है। उसमें उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है कि ये जो है स्टेप जो लिया गया है उसे काफ़ी फ़ायदा होगा टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी। और लास्टली गवर्नमेंट ने जो जिस उनके इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं अगर आप देखें तो उसमें यही स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द इकॉनमी टू सस्टेन दिस डैमेज दैट इज़ COVID-19,
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मजीद इकॉनमी इसको अब नहीं झेल सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती कि ये बंद रहे। और उन्होंने ये प्लान उन्होंने ये किया हुआ है अपने हेल्थ सेक्टर के साथ, मेडिकल ऑफिसर्स के साथ, सबके साथ वो इन टच हैं। और जैसे ही ग्रीन लाइट ग्रीन सिग्नल उनको वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, बॉर्डर्स ओपनिंग की तरफ वो जा रहे हैं और वो होपफुल हैं। और हम लोग भी एज अ काउंसलर भी और एज अ ह्यूमन बींग, तो हमेशा ही होना चाहिए एज अ काउंसलर भी, मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट ईयर में तो ये ओपन होगा ही होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अब तो गवर्नमेंट लेवल पर ये बातें होना शुरू हो गई हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जी इतने लंबे अरसे के लिए अब सस्टेन नहीं हो सकता, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। बॉर्डर्स जो है वो ओपन करने पड़ेंगे। और उन्होंने यही कहा कि जिस तरह पहले ट्रैवलिंग होती थी उसी तरह अब दोबारा उसको हमने उसी स्टेट पे हमने लेके आना, दोबारा वैसी ट्रैवलिंग वगैरह एंड ऑल सारा जो प्रोसेस है वो होगा, अदरवाइज ये सस्टेन नहीं कर सकता, इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकती। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। और देखें, मैं जो भी न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि रिलायबल सोर्सेज से मैं वो चीज़ें लूँ और मैं आपके साथ शेयर करूं। अभी ये इस वीडियो के लिंक में भी आप डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे, लिंक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी न्यूज़ हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ इज़ द पॉइंट, इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग दीज वीडियोस, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियोस की हैं या मैं अभी भी जो मैं कर रहा हूँ वो उसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रॉपरली जो बॉर्डर्स ओपन होंगे दैट विल बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है सेटबैक हो, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि अब जुलाई इनटेक है, आगे फेब इनटेक है, जुलाई इनटेक तो पॉसिबल नजर आ नहीं रहा ऑन कैंपस का मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्होंने जाहिर है डेफर तो ऑलरेडी करवा लिया होगा, तो नेक्स्ट ईयर भी ठीक है, इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बैड न्यूज़। लेकिन मैंने फिर भी वो न्यूज़ आपके साथ शेयर इसलिए की है बिकॉज इट्स अ फैक्ट, ठीक है। जिन लोगों को, जिन मेरे दोस्तों को जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं डिफरेंट जगहों पर, स्टूडेंट्स हैं, शेयर भी करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, के न्यूज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो उसमें भी अगर किसी को कोई क्यूरी है या कोई है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे आ रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक जो है वो ज़रूर आप लोगों को मिल जाएगा, आप थोरली आर्टिकल्स को रीड भी करें। और अगेन 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 मैं बार बार ये रिक्वेस्ट स्टूडेंट से करता हूँ, काइंडली सिर्फ हेडिंग पर मत रहा करें, डिटेल में चीज़ें पढ़ा करें उसमें ज़्यादा, जब तक आप डिटेल में जाएंगे। अब मैं जो वीडियोज़ कर रहा हूँ, अब मैंने जो सोर्सेज इन्फॉर्मेशन लिया है मैंने उनको पहले डिटेल में पढ़ाया, मैं उसमें पॉइंट्स बना रहा हूँ, चीज़ें समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ इसका क्या मतलब है, उस लाइन का क्या मतलब है, उसके बाद फिर मैं वो वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके, जो मेन पर्पज़ है वीडियो बनाने का। तो ये सारी न्यूज़ ठीक है जी। अब वर्किंग आवर्स के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं, जिसे कहते हैं ना मौज लग गई कि वर्किंग आवर्स की लिमिट वाला तो अब इशू ही नहीं है, तो उसमें तो अब आप लोग काम कर सकते हैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में, और जो मल्टीपल सेक्टर सारे अटैच हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा 90 डेज पहले करें, 5 साल का एडिशनल, वो भी मोई लग गई, साल का आपको एडिशनल उसमें टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा बाकी हर जगह से अप्रिसिएशन भी आ रही है, नेक्स्ट ईयर की न्यूज़ भी आ रही हैं, इस ईयर की भी न्यूज़ आ रही हैं, तो फाइनली अलग शुक्र है ऑस्ट्रेलिया जो है अब सुनने लग गया है और बॉर्डर ओपनिंग की तरफ वो लोग जाने लग गए हैं, तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है अब मज़ीद बेहतर जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह सारा कुछ इंशाल्लाह ओपन भी हो जाएगा, सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तो बी होपफुल, ठीक है, पॉजिटिव नोट पे रहा करें, पॉजिटिव नोट पे चीज़ों को एंड किया करें, अच्छी अच्छी पॉजिटिव वीडियो देखा करें, बजाय इसके कि ये जो सारा जहर उगल रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पर या कमेंट्स में या जो भी है, अच्छी न्यूज़ पर फोकस किया करें, अच्छी चीज़ों पर फोकस किया करें, ठीक है। अब ये भी न्यूज़ ही है ना, वो पॉजिटिव न्यूज़ है और गवर्नमेंट की तरफ से है प्रॉपर, ठीक है, कोई हवाई बात नहीं है, तो अच्छी न्यूज़ है, उस पर फोकस किया करें, उस पर ध्यान दिया करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और ताकि आप लोगों को जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो वो आपको ज़रूर मिले। और इंशाल्लाह ज़रूर इस वीडियो में जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड लिंक भी ज़रूर ऐड करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो चीज़ों को देखने में, समझने के लिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।